हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रोहन वक्ता। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ अहमदाबाद गुजरात से। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑर्थो सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके घुटने में लिगामेंट इंजरी है और अगर आप उसको निग्लेक्ट करते हो तो क्या डैमेज हो सकता है। घुटने में चार लिगामेंट होते हैं, लेकिन उसमें जो मुख्यतः सबसे ज़्यादा कॉमनली इंजर होता है वो है ACL, यानी कि एंटीरियर क्रूशेट लिगामेंट। वो अगर ग्रेड 3 टेयर या फिर कंप्लीट टेयर है और अगर आप उसको निग्लेक्ट करते हो तो क्या तकलीफ हो सकती है। तो वो ACL टेयर है तो सबसे पहले तो हमारा घुटना काफ़ी अनस्टेबल हो जाएगा और पाँव में लचक आ जाएगी। वो इनस्टेबिलिटी और लचक के कारण हमारे घुटनों के दूसरे स्ट्रक्चर्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें से सबसे पहला है गादी यानी कि मेनिस्कस। घुटने की इनस्टेबिलिटी से दोनों हड्डी के बीच में जो गादी होती है वो फट जाती है, जिसको मेनिस्कस टेयर कहते हैं। मेनिस्कस टेयर हमारे घुटने का एक शॉक एब्जॉर्बर होता है जो घिसारा अटकाने का काम करता है। लिगामेंट इंजरी से अगर मेनिस्कस फट जाता है तो छोटी उम्र में घुटनों में घिसारा स्टार्ट हो सकता है और बहुत ही कम उम्र में नी रिप्लेसमेंट जैसा बड़ा ऑपरेशन करने की नौबत आ सकती है। दूसरे नंबर पे आता है अगर लिगामेंट इंजरी है तो कार्टिलेज वेयर एंड टेयर, यानी कि घुटने की ऊपर जो एक स्मूथ सतह होती है, कार्टिलेज का लेयर होता है, वो घिसने लगता है और उसके कारण भी आर्थराइटिस छोटी उम्र में आने लगता है। अगर आपको लंबे समय से लिगामेंट इंजरी है और फिर भी आप उसको निग्लेक्ट करते हो तो बारी बारी इंस्टेबिलिटी और लचक आने से दूसरे लिगामेंट पे उसकी असर आती है और वो भी लूज होने लगते हैं, जिसको सेकेंडरी लिगामेंट लैक्सिटी कहते हैं। कभी कभार जॉइंट में छोटे छोटे हड्डी के टुकड़े भी अलग होने लगते हैं, जिसको हम लूज बॉडी कहते हैं, और लूज बॉडी से घुटनों में लॉकिंग जैसे सेंसेशन आने लगते हैं, घुटनों में सूजन आती है और पानी भरने लगता है। तो फ्रेंड्स, हमने बात की कि अगर आपको लिगामेंट इंजरी है और आप उसको निग्लेक्ट करते हो तो घुटनों में गादी फटना, घिसारा होना, कार्टिलेज का वेयर एंड टेयर होना, लूज बॉडी बनना, सूजन आना, पानी बनना वगैरह तकलीफ हो सकती है। तो अगर आपको लिगामेंट इंजरी है तो आप उसको निग्लेक्ट ना करें और आपके नज़दीकी स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को कंसल्ट करें। धन्यवाद।